डिलीशियस फूड विद महजबीन में आप सभी का बहुत 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 एक बार फिर से बहुत इस्तकबाल है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चने में और हरी मूंग की दाल को हम अंकुरित कैसे करेंगे, स्प्राउट जिसे बोलते हैं ना, स्प्राउट हरी मूंग दाल, तो हम इसमें कैसे अंकुरित इसको करेंगे, आज मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ। और ये मैं आपको बता दूँ कि जब हम अंकुरित करते हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है अंकुरित होने के बाद। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ कि हमें अंकुरित कैसे करना है। ये मैंने हरी मूंग दाल लिया है 100 ग्राम, चना लिया है मैंने 100 ग्राम। आज मैं आप लोगों को इन दोनों को कैसे अंकुरित करना है बताऊंगी। सबसे पहले हमें रात भर के लिए, ओवरनाइट के लिए इसे हम पानी में सोक करेंगे, पानी में भिगो के रात भर के लिए रख देंगे दोनों को अलग अलग। अगर आप सिर्फ हरी मूंग दाल को करना चाहें तो आप उसे करें, या आप चने को करना चाहते हैं तो उसे अलग से करें, या आप दोनों को मिक्स करके करना चाहते हैं तो दोनों को साथ में भी आप मिक्स करके कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप क्या पसंद करते हैं। हमें इसे रात भर के लिए पानी में भिगो करके रखना है। ये देखिए, भिगोने के बाद रात भर ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। देखिए चने हमारे अच्छे से रात भर में फूल चुके हैं, हरी मूंग दाल भी हमारी अच्छे से रात भर में फूल चुकी है। अब हमें करना क्या है कि हम एक मलमल का कपड़ा लेंगे और हरी मूंग को उसमें और चने को अलग अलग से ट्रांसफ़र कर देंगे और उसे हमें बांध करके 6 से 8 घंटे के लिए या फिर पूरे दिन के लिए छोड़ देंगे, तो इसमें अंकुरित जो अंकुर है वो अपने आप आ जाएगा। ये जो कपड़ा है ये मलमल का है, हमें ऐसा ही कपड़ा लेना है और इसमें हमने जो रात भर दालों को और चने को हमने जो रात भर के लिए भिगो के रखा था उसे हम इसमें दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे। अगर आप अलग अलग चाहते हैं तो आप अलग करिए, या आप सिर्फ एक को करना चाहते हैं तो सिर्फ आप एक को भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है। अब इसे हम अच्छे से बांध देंगे। देखिए इसे हमने अच्छे से बांध दिया है। अब हम इसे कहीं पर भी रखेंगे जहाँ पे इसे हम लटका के ही हमें इसे रखना है ताकि इसका जो पानी होगा एक्स्ट्रा वो गिर जाए। और आप देखेंगे कि इसमें 6 से 8 घंटे के अंदर ही अंदर अंकुर ये हो जाएगा। और पूरे दिन भी अगर हम इसे रख देते हैं तो इसमें जितना टाइम हम एक्स्ट्रा रखेंगे वो उसमें उतना ही ज़्यादा अंकुर बढ़ता जाएगा। आपको जितना चाहिए आप उस हिसाब से आप इसको अंकुर कर लें। कम से कम 6 से 8 घंटे तो इसे रखना ही है। मूंग की दाल और चने के तो फ़ायदे आप लोग जानते ही होंगे कि हरी मूंग की दाल के कितने फ़ायदे हैं, मैंने अपने वीडियो में आपको बताया भी है। जो मैंने वेट लॉस रेसिपी हरी मूंग का सलाद, आप ज़रूर मेरी वीडियो को देखें, उसे मैंने बताया है कि हरी मूंग की दाल के क्या फ़ायदे हैं। आप इसे हर रोज़ ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है हरी मूंग की दाल से। अगर हम इसे डेली ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं तो हमारे फेस पे एक अलग सी चमक आती है और हमें बहुत सारे विटामिन भी इससे मिलते हैं और ये हमारे सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो इसे हम 6 से 8 घंटे के लिए रख देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि 6 से 8 घंटे के बाद ये कैसा दिखेगा। देखिए इसे मैंने पूरी रात के लिए ऐसे ही रख दिया था और अब देखिए कि इसमें अंकुर कितने अच्छे से अंकुरित हो चुकी हैं, ये चना और मूंग दोनों ही, ये देख सकते हैं आप। देखिए ये चना है और मूंग कितने अच्छे तरीके से ये अंकुरित हो गया है। देखिए हमारे मूंग और चना बिल्कुल अच्छी तरीके से अंकुरित हो चुका है। मूंग और चना तो ऐसे बहुत ही फायदेमंद है, चने से हमें कैल्शियम मिलता है और हमारे शरीर को मजबूती मिलती है, और हरी मूंग में प्रोटीन फुल मात्रा में होता है और
जब हम इसे अंकुरित करते हैं तो जब ये अंकुरित हो जाता है तो ये और भी फायदेमंद हो जाता है, इसका फायदा पूरा डबल हो जाता है। तो आप भी इसी तरीके से अंकुरित कीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप दूसरों को भी बताएं ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी रेसिपीज़ और मेरी टिप्स सब सब औरों तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।